आपको तोड़ के दिखाते हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट गर्मा गर्म रोल। नमस्कार, लक्ष्मी खाने खजाना में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे पोहे से एकदम चटपटा सा नाश्ता। हम एक कप पोहे से पूरी परिवार के लिए एक अच्छा सा नाश्ता बनाएंगे जो कि हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। और आप इसे बच्चे के टिफिन में, किटी पार्टी में, छोटे मोटे कोई भी फंक्शन में बना के सर्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने लिए एक कप पोहे। पोहे आप कोई से भी ले सकते हो। अब हम इन्हें वॉश कर लेंगे क्योंकि पोहे में कचरा होता है, वॉश करने से सारा निकल जाएगा। पोहे को हमने एकदम अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, जो भी डस्ट थी वो निकल गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच अदरक मिर्ची का पेस्ट। यदि आप बच्चे के लिए बना रहे हो तो अदरक की मिर्ची न डालें। एक छोटा प्याज जो हमने कटिंग कर लिया है, प्याज को हमने बारीक कटिंग किया है। साथ ही एक टमाटर, इसे भी हमने बारीक कटिंग कर लिया है। एक छोटी शिमला मिर्ची और ये हमने लिए हैं दो उबले हुए आलू जिनको हम छील के मैश कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बेसिक मसाले। 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, 1/3 चम्मच गरम मसाला, 1/3 चम्मच अमचूर पाउडर। और अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे हरा धनिया। और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं करेंगे क्योंकि पोहे को भी हमने धोया है, आलू भी उबले हुए हैं और टमाटर में भी पानी होता है, इसलिए हम लोग इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। ऐसे ही इसे मिक्स कर लेते हैं। हम नमक भी ऐड कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। स्वाद अनुसार नमक, साइड में हमने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा तेल गर्म होगा तब तक हम बाकी का प्रोसेस कर लेते हैं। पहले हम जो हमने मसाला बनाया है उसका इस तरह से शेप बना के सारे रख लेते हैं, फिर साथ ही तल लेंगे। इस तरह से सारे बना के रख लेंगे पहले ताकि साथ में हम 4-5 तल सकें। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे जो भी नए वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और हमारी ये जो हम बना रहे हैं नाश्ता उसे खा के कमेंट जरूर करें। फ्रेंड्स, जल्दी कर दें क्योंकि आप भूल जाते हो वीडियो देखने के बाद। और फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो है, पूरा देखें प्लीज। ये हमारे सारे रोल बन गए हैं। ये लिया है हमने ड्राई कॉर्नफ्लोर, इसको हम गीला नहीं करेंगे, इसमें इनको ऐसे डीप कर लेंगे कुछ इस तरह से। सभी को इसी तरह से डीप कर लेते हैं। इन सभी को हमने कॉर्नफ्लोर में कोट कर लिया है। अब हम चलेंगे गैस की ओर। तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब जो हमने रोल बनाए थे इसमें ऐसे इस तरह से डिप कर देते हैं। गैस को रखेंगे मीडियम टू लो। अब इन्हें धीरे धीरे पलट देंगे। एकदम फटाफट से बन जाने वाला नाश्ता है, आप बच्चे के टिफिन में दे सकते हो। जब खाना बनाने का मन ना हो तो आप इसे डिनर में बना के खा सकते हो। अब हम धीरे धीरे फ्लेम को मीडियम पे लाते हैं।
फ्रेंड्स ये तल गए हैं, ये निकाल लेते हैं क्योंकि निकालने के बाद भी इनका कुकिंग प्रोसेस चालू रहता है, तो ये थोड़े से और डार्क होने वाले हैं। अब हम सेकंड बेस को भी तल लेते हैं। ये हमारा सेकंड बेस भी रेडी हो गया है, इन्हें भी निकाल लेते हैं और गैस को कर देते हैं बंद। ये देखिए फ्रेंड्स, लग रहे हैं ना एकदम टेस्टी से। थोड़े से घर के सामान से ये हमारे बनके रेडी हो जाते हैं। अब हम इन्हें गरम गरम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स ये हमारे सारे रोल बनके रेडी। एक कप पोहे से हमने इनको बनाया है। ये देखने में भी अच्छे हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी हैं और फटाफट से बन भी जाते हैं, और हमने इसमें वेजिटेबल वगैरह ऐड किए हैं तो ये हेल्दी भी है। फ्रेंड्स एक आपको तोड़ के दिखाते हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, गर्मा गर्म रोल खाने के लिए रेडी है।